एक मिनट, अब ये मत कहना कि मेरा दर्द कम करने के लिए तुम मेथी दाने का लेप लेकर आई हो। जामुन के पत्ते लाई हूं। सीरियसली? जामुन का पत्ता? मेथी दाने का लेप अभी लाना मुश्किल था, जामुन के पत्ते से भी दर्द में राहत मिलती है। बाहर पार्किंग लॉट के वहां पे मैंने बहुत बड़ा जामुन का पेड़ देखा तो ले आई। गरम पत्ते से तुम्हें तुरंत राहत मिल जाएगी। जामुन का पत्ता ही क्यों? बाहर गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सभी कोई ना कोई जड़ी बूटियां हैं। तुम सब ले आओ तो भी ये दर्द कम नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं, समझ ही तो नहीं सकते तुम। इस जामुन के पत्ते से इस हाथ का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दर्द का क्या करूं? बताओ कोई इलाज है तुम्हारे पास? कौन सा फूल, कौन सा पत्ता, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा तेल लगाऊं, कौन सा काढ़ा पीऊं, कौन सा लेप लगाऊं? बताओ मुझे, तुम जो बोलोगी वो करूंगा मैं। है कोई इलाज? प्लीज बताओ, प्लीज। इस दिल के दर्द को खत्म करो, और बर्दाश्त नहीं होता। इस देश में ना, लड़कियों के पिंपल से लेके लड़कों की गैर जिम्मेदारी तक का एक ही इलाज, शादी, जो तुम्हारी हो रही है। तो ये दिल का जो दर्द हुआ था ना, सब गायब हो जाएगा। मत करो ये, मैं जानती हूं ये हुआ नहीं है, तुमने किया है, मत करो प्लीज। ये जो है ना, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, एक रिश्ता है। और जिसने तुम्हें ये अंगूठी पहनाई है ना, वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। और वो तुम्हारी होने वाली पत्नी मेरी बहन। तो जो आज तुमने रिश्ता जोड़ा है ना, उसका मान रखो। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी मम्मी कहती है कि शादी के बाद ना सब ठीक हो ही जाता है। Thank you.
चले जी, समय हो गया है, आज्ञा दीजिए। अब तो हम लोग रिश्तेदार हुए, अब तो शादी की हर रस्म हम लोगों को और करीब लेके आएगी। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और खासकर इनका डांस। अरे भाई, हर्ष जी से तो पूछिए उन्हें कैसा लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बस अब शादी भी इस तरह हो जाए, बस यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, भूल चूक माफ सब कुछ मजाक मस्ती में ही था, और ऐसे दिन जल्दी जल्दी आए। चलिए। अक्षु, चले। बाय बाय। अभी तक तो सब कुछ ठीक तरीके से जा रहा है, शादी भी इस तरह स्मूथली होनी चाहिए। ओके क्या? छुपा रही, हल्दी वाला दूध यूं ही नहीं लाया हूं मैं, पी ले। अक्षु,
खुद दर्द लेके दूसरों का दर्द कम नहीं किया जा सकता। तेरी यूं दर्द लेने से ना तो आरू का दर्द कम होगा और ना ही अभिमन्यु का, बल्कि तेरा दर्द बढ़ेगा ऐसे में। मेरे ख्याल से मुझे चुप रहना ही नहीं चाहिए था और मैं रहूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे लाख समझाने की बात तो नहीं मानेगी। ये गलत है अक्षु, बस हो गया, और नहीं। मैं सबको बता दूंगा कि तेरे दिल में क्या है। मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। नहीं अक्षु, अब तेरी एक नहीं सुनने वाला हूं मैं। पक गया हूं यार मैं घरेलू नुस्खों से। आप पक गए हो या अभी भी कच्चे हो ये मैं नहीं जानता। आपके हाथ में चोट लगी है और माँ ने ही हल्दी का दूध भेजा है, आप चुपचाप इसे पी लो। जामुन का पत्ता और हल्दी का दूध, ग्लास तोड़ने से क्या होगा और हाथ तोड़ने से भी क्या होगा? भाई अगर कुछ तोड़ना था तो ये सगाई तोड़ देते ना। अब क्या कर रहे हो, अब क्यों कर रहे हो ये सब? यार छोड़ यार, जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। सुन, डिलीट कर देना, इग्नोर कर देना इस बकवास को। माँ की खुशी ना बेटे की शादी में नहीं है, बेटे की खुशी से की गई शादी में। और ये सब देख के तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप बिल्कुल खुश नहीं। अगर आप अपनी दिल की बात माँ को नहीं बताओगे ना तो कोई बात नहीं, माँ को मैं बता दूंगा। एंड आई मीन इट भाई, आई विल। नहीं 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 भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। भैया रुकिए। माँ नहीं नहीं, माँ नहीं नहीं। नील, तू मां से कुछ नहीं कहेगा। मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैंने बोला चुप, स्टॉप इट। बड़े पापा, दादी, एजी, मां, मां। हां नील, भाई मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूं। मैंने बोला ना नहीं। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? क्या हुआ बेटा? वो माँ नहीं कुछ। क्या हुआ बोलना। मंजरी, अरे देखने दे उन्हें क्या चाहिए। माँ प्लीज, बहुत जरूरी है। अरे बेटा देख लेने दे वरना वो नाराज हो जाएंगे। मैं अभी आ रही हूँ ना, रुक जा। नमस्कार मनीष जी। अरे रावत जी, आइए 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 आइए, स्वागत है। प्लीज प्लीज, हम लोग बाद में बात करते हैं। चुप यार, मत बोल। कुछ भाई, मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूँ पर आज नहीं सुनने वाला। मुझे माफ। नहीं तो माफ, तू समझ क्यों नहीं रहा है बात को? प्लीज भैया मत करिए ये सब। क्या कर रहे हैं आप? इससे सिर्फ बात बिगड़ेगी और कुछ नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही बताने जा रहा हूँ जो तू कर रही है। सैक्रिफाइस, बहन के लिए त्याग, किस तरह तो अपनी खुशी के बारे में नहीं सोची वो बताने जा रहा हूँ मैं। भैया आरू की खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं वही कर रही हूँ। प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और आप भी किसी को कुछ मत बताइए। नहीं अक्षु, नहीं, अब इतनी मानता नहीं झेल सकता हूँ मैं। अरे हम नॉर्मल लोग हैं, अपने हिस्से में खुशी होती तो हंसते, दुख होता तो रोते हैं, लेकिन दूसरों को खुश करके खुद रोना ये नहीं होने दूंगा मैं। भैया हम समझ ही नहीं रहे हैं।
हारू की शादी होने वाली है, पूरी फैमिली खुश है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो तू फैमिली में नहीं है क्या? फैमिली है ना तू? तू खुश है? नहीं है ना खुश? और बाकी सब इसलिए खुश है क्योंकि वो तेरी तकलीफ को नहीं जानते। कभी कभी किसी ना किसी को इस पॉइंट पे ना कुछ ना कुछ छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है, और मैं कर चुकी हूँ। आई एम हैप्पी भैया, प्लीज मुझे पीछे मत खींचिए, किसी को कुछ मत बताइए भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, इस बार मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मैं माँ को सब बता रहा हूँ। इधर क्या बताएगा तू माँ को, क्या बताएगा? यार मैं खुद लड़ना चाहता हूँ लेकिन लड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि अक्षरा हार मान चुकी है। मैं कैसे लड़ूं, किसके लिए लड़ूं? जब वो खुद नहीं चाहती तो मैं कैसे लड़ूं? यार वो एक बार बोल दे, एक बार बोल दे, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, तू भी जानता है इस बात को। नहीं चाहती वो पीछे हट चुकी है। अब ये सब माँ को बता के क्या फायदा, उनकी खुशियां छीन के क्या फायदा? देख माँ की खुशी मेरी शादी में, शादी हो जाने दे, माँ खुश हो जाएंगे, कम से कम वो तो खुश रहेंगी मेरे भाई। प्लीज सुन 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 मेरी बात समझ। प्लीज भैया प्लीज किसी को कुछ मत कहिए, जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दीजिए भैया प्लीज। ओके, जो दिल में चल रहा है ना उसे दफना दे। मेरी शादी में माँ की खुशी है, शादी को हो जाने दे, माँ खुश रहेंगी, कम से कम माँ खुश रहेंगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हुआ? सॉरी भाई बट माँ माँ वो शेरवानी ट्राई नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपसे शिकायत करने आया है, कर लूंगा ना। क्या तो शेरवानी क्यों? माँ जैसे ही वक्त मिलेगा कर लूंगा ना, माँ कर लूंगा खुश। हो गया चल चुप, मैं कर लूंगा माँ, आप चिंता मत करिए। मैं आपकी शेरवानी पसंद करवा रहा हूँ लेकिन आपको पहनने नहीं दूंगा, मैं गिव अप नहीं करने वाला। तो गिव अप नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिसे प्यार के लिए लड़ना चाहिए वो चुप बैठे गिव अप करके। लेट इट बी यार, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अक्षरा नहीं हूं, मैं आपकी शादी आरोही से बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं आपके और अक्षरा की तरह गिव अप नहीं करने वाला हूं भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।